अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है ग्लाइकोजन। इससे पिछली वीडियो में हमने स्टार्च के ऊपर बात की थी। अब जो ग्लाइकोजन क्या है जी, इट इज अ होमोपॉलीसेक्राइड आल्सो अ स्टोरेज कंपाउंड मेनली प्रेजेंट इन एनिमल्स। तो ये एक होमोपॉलीसेक्राइड है, एक जैसे मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनेगा, जिसे हम लोग ग्लूकोस रेसिड्यू का नाम दे रहे थे। स्टोरेज कंपाउंड है बेसिकली, ये क्या करेगा, एनर्जी स्टोरेज का काम करेगा। जब जरूरत पड़ेगी तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ब्रेक किया जाएगा और फिर उस ग्लूकोज से एनर्जी ली जाएगी। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पाया जाता है एनिमल्स में, और ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजेनोलाइसिस इन प्रोसेस से क्या होता है, इसकी कन्वर्जन और फॉर्मेशन इंटर कन्वर्जन बनती रहती है। तो अब डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि ग्लाइकोजन जो बेसिकली एक पॉलीसेक्राइड टाइप है, ये है क्या। तो जैसे कि मैंने पहले कहा, ग्लाइकोजन यानी टाइप ऑफ पॉलीसेक्राइड, ठीक है, टाइप ऑफ पॉलीसेक्राइड स्ट्रक्चरली अलाइक अमाइलो पेक्टिन बट मोर ब्रांच्ड ठीक है जी, एक्ट एज ए स्टोरेज कंपाउंड इन एनिमल्स। तो एक जनरल सी डेफिनेशन है ग्लाइकोजन की। ग्लाइकोजन क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीसेक्राइड। ये पॉलीसेक्राइड एक टाइप है जो स्ट्रक्चरली अलाइक होती है अमाइलो पेक्टिन। स्टार्च के टॉपिक में हमने अमाइलो पेक्टिन पढ़ा था, वो किस तरह बनता है ये भी हमने देखा था कि उसमें 1,4 और 1,6 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। तो इसमें भी वही होती है, स्ट्रक्चरली क्या होता है, अमाइलो पेक्टिन जैसा दिखता है लेकिन उससे ज्यादा ब्रांच्ड होता है। अमाइलो पेक्टिन में जितनी ब्रांच होती है इसमें उससे ज्यादा ब्रांच्ड होती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो अमाइलो पेक्टिन कुछ हम लोगों ने कहा था इस तरह कि ये एक ब्रांच निकलेगी, जबकि अगर हम लोग ग्लाइकोजन की बात करें तो एक ब्रांच इससे दूसरी ब्रांच उससे तीसरी, तो ये क्या होता है जी, अमाइलो पेक्टिन के मुकाबले में जो ग्लाइकोजन है ये हाईली ब्रांच्ड होता है और ये स्टोरेज कंपाउंड है, ठीक है जी। स्टोरेज कंपाउंड है किन में, एनिमल्स में, क्योंकि एनिमल्स के अंदर भी स्टोरेज का काम करता है जैसे स्टार्च प्लांट के अंदर करती है। इसीलिए हम लोग ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च का नाम भी देते हैं, एनिमल स्टार्च। और जैसे कि हमने पढ़ा है कि पॉलीसेक्राइड है, तो जब हम लोग इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये ग्लूकोस रेजिड्यू देता है, ठीक है जी। इसी तरह जब इसकी आयोडीन टेस्ट किया जाता है तो उसमें ये ब्लू कलर देता है, रेड कलर देता है। स्टार्च जो है वो ब्लू कलर देगा और जबकि जो ग्लाइकोजन है ये रेड कलर दे रहा होता है, किसके साथ, आयोडीन टेस्ट में। अब जो ग्लाइकोजन होती है, अगर हम लोग इसकी अक्रंस की बात करें कि ये किन किन जगहों में पाई जाती है, तो ये बॉडी के तकरीबन हर सेल में थोड़ी बहुत अमाउंट में पाई जाती है, लेकिन हाईली जो इसकी कंसंट्रेशन है वो लिवर सेल्स में होती है और मसल सेल्स में होती है। और ग्लाइकोजन की जैसे कि हमने पहले ही बात कर दी है यहां पे कि ये स्टोरेज भी है, तो ये स्टोरेज हमने वैसे ही पढ़ा हुआ है। जब हमने पॉलीसेक्राइड स्टार्ट किया था स्टार्च वाली वीडियो में, तो हमने पढ़ा था कि ये दो तरह के स्टार्च जो पॉलीसेक्राइड है, ये स्टोरेज भी हो सकते हैं, ये फंक्शनल भी हो सकते हैं। तो जो ग्लाइकोजन है ये स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है, और इसी तरह अगर हम लोग बॉन्डिंग की टाइप्स के लिए ऐसे, ये नेचर के लिए ऐसे देखें, तो ये होमो पॉलीसेक्राइड है, क्योंकि ये एक जैसे ग्लूकोस रेजिड्यू मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है। जबकि जो हम लोग पढ़ते हैं काइटिन हेमिसेलुलोज, ये डिफरेंट टाइप्स में मिलकर बनती है। अब हम लोग चलते हैं इसकी लोकेशन या अक्रेंस, ये हमें किन किन जगहों में पाई जाती है, हमें किन जगहों से ग्लाइकोजन मिलती है।
तो अगर हम लोग ग्लाइकोजन की अक्रेंस की बात करते हैं तो ये हमें जो दो तरह से आप लोग इसे कह सकते हैं हमें मिलती है, एक है कि वो जगह जहां पर यह हाई अमाउंट में होगी, ठीक है जी, हाई अमाउंट, और दूसरी वो जगह जहां पर यह माइनर अमाउंट में होगी, ठीक है। ग्लाइकोजन कहते हैं हमें दो जगह पे मिल सकती है, या ग्लाइकोजन की मिकदार भी ऐसे हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, एक वो जगह जहां पर ग्लाइकोजन हमें ज्यादा अमाउंट में मिलेगी और दूसरी वो जगह जहां पर ग्लाइकोजन की होगी हमें कम अमाउंट में या माइनर अमाउंट में मिलती है। जो हाईली अमाउंट में मिलती है वो सबसे पहले आती है लिवर सेल, या लिवर भी हम लोग इसे कहते हैं, सबसे ज्यादा इसमें, और उसके बाद मसल सेल्स है। ये दो बॉडी की वो पार्ट है जहां पर ग्लाइकोजन मैक्सिमम अमाउंट में पाई जाती है। अगर रफली हम लोग बात करें तो बॉडी का 6 to 10% जो लिवर है वो ग्लाइकोजन में आती है, और अगर हम लोग इसे फिगर आउट कर देते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 100 to 120 ग्राम आता है, यानी कि एक पूरे लिवर में 100 to 120 ग्राम ग्लाइकोजन स्टोर्ड होती है। और इसी तरह मसल्स की बात करें तो बेशक लिवर में हम लोग ज्यादातर कहते हैं कि ज्यादा होती है, लेकिन मसल्स में ये हाईली अमाउंट में होती है। जो मसल्स के अंदर इसकी कंसंट्रेशन है वो अप्रोक्सीमेटली 400 ग्राम है, तो जो ग्लाइकोजन है मसल्स में हमें 400 ग्राम में मिलती है। इसके अलावा माइनर कंसंट्रेशन में किसमें मिलती है हमें, यह हमें मिलती है ग्लियल सेल। ये ग्लियल सेल्स क्या होते हैं इसके मतलब मेरी वीडियो पहले मेरे चैनल पे आया था आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये कहां पे मिलती है जी, न्यूरॉन्स के ऊपर, न्यूरॉन में भी थोड़ी बहुत अमाउंट में होती है, किडनी सेल्स में, या किडनी में आप कह सकते हैं। इसके अलावा यूट्रस, यूट्रस में भी ग्लाइकोजन मौजूद होती है, और इसका काम जो होता है प्रेगनेंसी के दौरान ये नरिशमेंट देता है, ठीक है जी। तो यूट्रस में इसका काम क्या है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब जो ग्लाइकोजन होती है बेसिकली जब हम लोग बात करते हैं कि ब्लड में अगर ग्लूकोज ज्यादा हो तो हम पढ़ते हैं उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लाइकोजन में, ये प्रोसेस लिवर में होता है। इसी तरह हम लोग पढ़ते हैं कि अगर जिस्म में ग्लूकोज की अमाउंट कम हो तो क्या होता है, उसे कन्वर्ट ग्लाइकोजन को तोड़ के हम लोग वापस ब्लड में ग्लूकोज लाते हैं, ये प्रोसेस भी कहां में हो रहा होता है लिवर में। जो ग्लाइकोजन मसल में स्टोर होती है जब हाई एक्सरसाइज या इंटेंस एक्सट्रीम एक्सरसाइज की जाती है तो तब ये ग्लाइकोजन मसल में ब्रेक डाउन होकर मसल में ही यूटिलाइज कर दी जाती है। ये ब्लड में मसल से ग्लाइकोजन या ग्लाइकोजन जो ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाती है वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं आता, ब्लड स्ट्रीम में जो ग्लूकोज आता है ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन से वो लिवर सेल से आ रहा होता है। अब हम लोग देखेंगे कि जनरल सा पैटर्न है कि लिवर के अंदर अगर फर्स्ट करें ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा तो ग्लाइकोजन कैसे बनेगा, और अगर हम लोग बात करें कि ब्लड में ग्लूकोज कम है तो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन कैसे होती है। इस तरह फिर हम लोग मसल्स के लिहाज से देखते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड, अब हम बात करेंगे यहां पर ग्लूकोज हमने कहा था स्ट्रक्चरल या लाइक होता है अमाइलोपेक्टिन, जिस तरह का अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर है वैसा ही स्ट्रक्चर ग्लाइकोजन का होता है, लेकिन इसमें फर्क क्या होता है, जो ग्लाइकोजन होती है इसमें आफ्टर एवरी 10 रेसिड्यू, ठीक है जी, 10 ग्लूकोज चेन या 10 रेसिड्यू चेंज हम लोग कहते हैं कि हर 10 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के बाद, फर्ज करिए एक चेन है जिसमें 10 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, तो आफ्टर 10 ग्लूकोज रेसिड्यू एक चेन इसमें आती है जिसे हम लोग इस नाम से पढ़ते हैं, हमने कहा था ब्रांच चेन होती है। इसमें भी क्या होता है, जब ये ब्रांच 10 मॉलिक्यूल्स तक चली जाती है तो वो दो ब्रांचें और अटैच हो जाती है, सेम प्रोसेस इसके साथ होता है। जब ये 10 तक जाती है, फर्ज करें यहां से अगर हम लोग बात करते हैं 1, 2, 3 and so on 10, तो ये वहां से ऐसे डिवाइड होती है, और मेन चेन क्या होती है, ये 10 रेसिड्यू ही रहती है, आफ्टर 10 रेसिड्यू ब्रांच चेन लगती है या साइड चेन आती है, और जो साइड चेन होती है ये 10 रेसिड्यू होती है, लेकिन नॉर्मली 8 to 10 मिलती है हमें, कि नॉर्मली इसमें जो साइड चेन है जिसमें कार्बन की ज्यादा है वो 8 से 10 के दरमियान हो सकती है। अब जो हमने पहले बात की कि लिवर में कैसे प्रोसेस होता है और मसल में कैसे होता है, वो देखते हैं।
तो लिवर की बात करते हैं, जब फर्स्ट ब्लड के अंदर ग्लूकोज क्या है, इसकी अमाउंट हाई है, ठीक है जी, ग्लूकोज की अमाउंट क्या थी, हाई है। ये हम लोग जनरल साइकिल पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिकली लिवर में एग्जैक्ट जैसे होता है हम लोग वैसे वो रिएक्शन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो डिटेल रिएक्शन है, उसे मैं अलग एक वीडियो बनाकर दिखाएंगे। तो ग्लूकोज हाई अमाउंट में होती है, तो जब ये गुजरती है पैंक्रिया से, ऑब्वियस बात है कि ब्लड करती है पैंक्रिया भी सेल्स है, उसे भी ऑक्सीजन चाहिए, तो ब्लड से गुजरता है, तो ये प्रोड्यूस करती है इंसुलिन, ठीक है जी। ग्लूकोज की अमाउंट हाई है, ये ब्लड में है, जब ये पैंक्रिया से गुजरेगी, पैंक्रिया हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, इंसुलिन कहते हैं, ये जाके इफेक्ट करेगा लिवर सेल्स में, ठीक है, ये काम में जाएगा लिवर सेल्स को जाके इफेक्ट करेगा। लिवर सेल्स के अंदर क्या होगा, ये एक एंजाइम है जिसे एक्टिवेट किया जाएगा, उसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजन सेंथिटेज, ठीक है जी, ग्लाइकोजन सेंथिटेज। ये एंजाइम क्या करेगा, ये ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज थी उसे कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में, ठीक है जी। तो इस तरह क्या होता है, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज्यादा हो तो उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लाइकोजन में। इसे हम लोग हम अभी थोड़ा स्मॉल डायग्राम या आप ये कह सकते हैं कि माइनर जो मेन मेन चीजें उसके लिए ऐसे भी देखते हैं। अब अगर हम लोग बात करें इसके अंदर फर्ज करें जी अमाउंट कम हो तो फिर क्या होगा, तो उसको देख लेते हैं कंडीशन को, कि ग्लूकोज की अमाउंट ब्लड के अंदर क्या जी लो है, ये पैंक्रिया से गुजरा तो पैंक्रिया ने अब इंसुलिन की बजाय दूसरा हार्मोन सेक्रेट करना है जिसे हम लोग कहते हैं ग्लूकोगन, ठीक है। ये क्या करेगा, एक हार्मोन रिलीज कर देगा इंसुलिन, पैंक्रिया इंसुलिन की बजाय सॉरी पैंक्रिया एक हार्मोन रिलीज करेगा इंसुलिन की बजाय ग्लूकोगन। ये क्या करेगा, लिवर सेल्स पे जाके इफेक्ट करेगा और यहां पर एक एंजाइम उसे एक्टिवेट कर देगा, उस एंजाइम का नाम क्या जी, उसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ठीक है जी, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इस एंजाइम को क्या करेगा एक्टिवेट करेगा, ये एंजाइम क्या करेगा इस ग्लाइकोजन को इफेक्ट करेगा और इसे कन्वर्ट कर देगा ब्रेक करके किसमें, ग्लूकोज में। इस ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम में हम लोग एंटर बॉडी में, ब्लड स्ट्रीम जो बॉडी के उसमें एंटर कर दिया जाता है और यह होता है बॉडी की नॉर्मल जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन उसे इक्वल कर दिया जाता है। तो इस तरह क्या होता है कि जनरली हम लोग कह सकते हैं जब ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट कम होती है तो क्या होगा, और ग्लूकोज की अमाउंट ज्यादा होती है तो कैसे उसे कम किया जाता है। अब हम लोग जो मेन में जैसे मैंने पहले बात की, हम लोग इसे स्पेसिफिकली नहीं पढ़ रहे, एक एक स्टेप हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लूकोजेनेसिस का नहीं पढ़ रहे, इसे हम लोग अलग-अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे सिर्फ जनरली हम लोग पढ़ा रहे हैं। अब क्या है, लिवर के अंदर ऐसा प्रोसेस हो रहा है। अब अगर हम लोग बात करते हैं मसल्स के अंदर किस तरह होता है, और यही लिवर की ज्यादा डायग्राम साइक्लिक पाथवे से हम लोग देखते हैं तो वो किस तरह होती है उसके ऊपर चलते हैं। अब यहां पे एक चीज पहले क्लियर करते चलते हैं कि ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन होती है इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है जब ग्लूकोज की अमाउंट कम होती है, और जब ग्लूकोज की अमाउंट ज्यादा होती है तो इसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सबसे पहले ग्लाइकोजन के लिए ऐसा होता है, अगर ग्लाइकोजन की हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे तो हम इसे कहते हैं ग्लाइकोनोलाइसिस। इसे हम लोग एक और पाथवे से भी पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ठीक है जी। इसी तरह इसे ग्लाइको लाइटिंग साइकिल के नाम से भी पढ़ते हैं। और अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के जरिए, ठीक है जी, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के जरिए ग्लाइकोजन बन रही हो तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोनोजेनेसिस, ठीक है जी। तो अब जो हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें हम लोग ग्लाइकोनोजेनेसिस कहते हैं हम लोग इसे, वो
और ग्लाइकोजेनेसिस, ये दोनों हम लोग कंबाइन पढ़ेंगे। एक जनरल सी नॉर्मल डायग्राम जिसे आप लोग कह सकते हैं कि छोटे लेवल की डायग्राम, बीएससी लेवल तक ये क्लियर है। एमएससी लेवल की अगर हम लोग बात करें उसमें डिटेल से हर स्टेप के ऊपर कौन से फैक्टर्स हैं, कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, कौन सा को फैक्टर यूज हो रहा है, वो डिटेल से हम लोग स्टडी करेंगे इससे अगली वीडियो। सबसे पहले लीवर में क्या होता है कि ग्लाइकोजन मौजूद है। अब हम बात करते हैं, फर्ज करते हैं कि एक्सपोज कंडीशन कर लेते हैं कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट क्या है, कम है, तो क्या होगा, इसको एक एंजाइम है जिसकी वजह से कन्वर्ट किया जाएगा ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में। ठीक है जी, कन्वर्ट किया जाएगा ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में, जिस एंजाइम की वजह से कन्वर्ट किया जाता है एटीपी को यूटिलाइज करते हुए, उसका नाम है जी ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ये एंजाइम क्या करता है, एटीपी को यूटिलाइज करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। यहां पे फिर क्या होता है, एक एंजाइम जिसे हम लोग कहते हैं म्यूटेज, ये ग्लूकोज 1-फॉस्फेट को ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में बदल दिया जाएगा और इस ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को बाद में सिंपल ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। और ये ग्लूकोज क्या होता है, इसे बाद में रिलीज कर दिया जाता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर। और अब हम बात करते हैं कि फर्ज करें ग्लूकोज की अमाउंट ब्लड के अंदर ज्यादा है तो क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होता है, पूरा प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, लेकिन यहां पे एक एंजाइम काम करता है जो इस प्रोसेस पॉइंट पे आके ग्लाइकोजन बनाता है। बेसिकली क्या होता है, ब्लड से ग्लूकोज लीवर में चला गया, फिर हमने वहां पे एंजाइम की बात की थी, जो एंजाइम एक्टिव होता है वो हम यहां पे पढ़ेंगे। ग्लूकोज को पहले ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में बदला जाता है। अब यहां पे दो कंडीशन है, या तो म्यूटेज एंजाइम से फॉस्फेट 6 में बदलेगा तो एक अलग एंजाइम यूज होता है, या अगर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को डायरेक्ट ग्लाइकोजन में बदला जा रहा है फॉस्फेट की रिमूवल से, तो एक एंजाइम काम करता है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोजन सेंथेटेज। ये वही एंजाइम है जिससे पहले पैंक्रिया और इंसुलिन के लिहाज से हमने पढ़ा था, ये वही एंजाइम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मसल्स की। तो मसल्स के लिए ऐसे अगर हम बात करते हैं तो मसल्स के अंदर ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज एंजाइम जो इसके ऊपर रिएक्ट करता है वो नहीं होता, लिहाजा ग्लूकोज में जो मसल में होता है पहले से 1-फॉस्फेट में बदलना पड़ता है, फिर उसकी यूटिलाइजेशन इंटरनली हो जाती है। मसल्स के अंदर जो ग्लाइकोजन बनती है, हमने पहले बात की, जब उसकी ब्रेकडाउन होती है तो जो ग्लूकोज रिलीज होता है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर दाखिल नहीं किया जाता, उसे यहीं पे या मसल्स के अंदर ही यूज होता है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं ग्लाइकोजन होती है, ठीक है जी, सेम वही एंजाइम वो इसे किसमें बदल देगा, ठीक है जी, यहां पर मैं लिख रहा हूं एंजाइम नंबर 1, तो पहला ये एंजाइम होगा जो इसे किसमें बदलेगा, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट। ठीक है जी, बाद में इसे ग्लूकोज 6 में बदला जाएगा और इसे इसी फॉर्म में, ग्लूकोज नहीं बनाया जाएगा, इसी फॉर्म के अंदर, क्योंकि ग्लूकोज जैसे मैंने पहले बात की ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज एंजाइम है जो इसमें से फॉस्फेट निकाल के ग्लूकोज बनाए, तो उसे इसी शक्ल में क्या किया जाएगा जी, यूटिलाइज कर लिया जाएगा। और अगर मसल्स के अंदर जब ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ती है तो क्या होता है, तो यही प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस में चला जाता है, रिवर्स हो जाता है। उसमें क्या होता है कि 6-फॉस्फेट को पहले 1-फॉस्फेट में बदला जाएगा, फिर सिंथेटिक सेंथेटेज एंजाइम की वजह से क्या होगा, उसे ग्लाइकोजन में स्टोर कर दिया जाता है, या लिवर मसल्स के अंदर जो ग्लाइकोजन बनती है उसमें इसे स्टोर कर दिया जाता है। और इस तरह क्या होती है, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन इनकी इंटर कन्वर्जन विद रिस्पेक्ट टू बॉडी नीड होती रहती है, कि अगर बॉडी में ग्लूकोज की अमाउंट ज्यादा चाहिए तो ग्लाइकोजन को ब्रेक किया जाएगा, और अगर बॉडी में ग्लूकोज की अमाउंट नॉर्मल से ज्यादा हो चुकी है तो ग्लूकोज को कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन बनाया जाएगा। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है।